एक समय था जब बॉलीवुड को फिल्म बनाने के लिए मुंबई की जरूरत होती थी। इसके बाद समय बदला और दिल्ली पर फिल्में बनी शुरू हो गई। लेकिन इस समय फिल्मों के डायरेक्टर्स की नज़र उत्तर प्रदेश पर पड़ चुकी है और यही कारण ही कि उत्तर प्रदेश पर एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही है। प्रिया प्रकाश पर मुस्लिम भावनाएं आहत करने को लेकर फर दर्ज, होगी कार्यवाही। आपको बता दें कि आज ऋचा चड्ढा और अदिति राव हैदरी की आने वाली फिल्म दासदेव का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपको फिर से यूपी की जमीन का एहसास हो जाएगा और वहां के डायलॉग्स की आवाज सुनाई पड़ेगी। फिल्म फुकरे रिटर्न्स के सफल होते ही ऋचा चड्ढा को एक से बढ़कर एक ऑफर मिल रहे हैं और इसमें वो अपना 100% देती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म को डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है और फिल्म 9 मार्च को देश भर में रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में आपको ऋचा चड्ढा का वही पुराना अंदाज देखने को मिलेगा और पारो की भूमिका निभा रही ऋचा चड्ढा फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली है। इस फिल्म में आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलेगी, क्योंकि फिल्म यूपी के राजनीति में ही निर्भर है, ऐसा आपको ट्रेलर देखने के बाद पता चल जाएगा। बी डेज क्लिकोलन वेलेंटाइन डे पर हुआ था बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का जन्म। फिलहाल इस फिल्म के लिए पारो ऋचा चड्ढा महिला राजनेताओं के भाषण देखकर उसको समझने की कोशिश कर रही है। इस फिल्म के बारे में ऋचा चड्ढा का कहना था कि फिल्म देवदास की बिल्कुल हर तरह से अलग है और इस फिल्म मेरा महिला राजनेता का किरदार है जो कि काफी मजबूत है और प्रभावशाली होने के साथ साथ शक्तिशाली भी दिखाया गया है। एक साक्षात्कार के दौरान इस बात का भी खुलासा ऋचा ने किया कि एक राजनेता का किरदार निभाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वो इसकी तैयारी में काफी समय से लगी हुई है। नेताओं को देखकर उनके हाव भाव अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई बंगली क्लासिक पुस्तक दासदेव से लिया गया है। इस फिल्म में ऋचा के अलावा अदिति राव हैदरी है जो चांदनी का किरदार निभा रही है और राहुल भट्ट है जो कि देव का किरदार निभा रहे हैं। ऋचा चड्ढा एक बेहतरीन अदाकारा है और अपनी एक्टिंग का लोहा वो मनवा चुकी है। ऋचा ने 2008 में आई फिल्म ओए लकी लकी ओए से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी।